हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सितंबर में रेलवे का नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी का। दोस्तों तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेलवे संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा गृह तकनीकी का स्टेज वन में जो पेपर हुआ था 9/12/2012 को, तो दोस्तों आज हम लोग उसी पेपर पर डिस्कस करेंगे क्या क्या पूछा। पहली बात, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कूली बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने करा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन सम्मेलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 पदक जीते थे कुल दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? दोस्तों तो दोस्तों 1942 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग आईवी के बारे में बताता है? दोस्तों तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा का किसे कहा? दोस्तों दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो दोस्तों राज्यसभा करता है दोस्तों, गैर सदस्य की अध्यक्षता राज्यसभा करता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया था? कहाँ पर चलाया था? दोस्तों चंपारण में चलाया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन मेरा, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? दोस्तों केरल में दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों मेरा, चौथा खंभा किसका घोतक है? तो दोस्तों चौथा खंभा जो है वो समाचार पत्र का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण कारक थे? लॉर्ड बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, मुगल शासन में मन सदाबहारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया? अकबर द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों मेरा, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? दोस्तों तो दोस्तों राजेंद्र चोल ने किया था दोस्तों, राजेंद्र चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, क्रवाटिच का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों तो दोस्तों सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया अस्थि में होती है? तो दोस्तों टिबिया अस्थि में होती है पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों बेरियम मील के लिए पोषण नाल की एस किरण प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवक। तो दोस्तों कोशिका कला आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन मेरा, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त की आतंश करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं? दोस्तों बिंबाणु दोस्तों कहलाती हैं, बिंबाणु। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है? दोस्तों विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है टंगस्टन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, पराश्रय तरंगे क्या है? तो
तो दोस्तों परास तरंगे श्रव्य आवर्ती प्रसार से उच्च आवर्ती वाली ध्वनि तरंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन करके की जा सकती है, दोस्तों बाष्प घनत्व। दोस्तों आंसर होगा बाष्प घनत्व। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को अधिपत्य दिया, तो दोस्तों 42वां। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन मेरा, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन निभाएगा, तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश निभाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुववृत्तीय व्यास से छोटा होता कितना दोस्तों, तो 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है भूकंप। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रेलवे में 65 क्वेश्चन जीके के आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पहली कहलाती है, सॉरी छोटी पट्टी कहलाती है, दोस्तों भू संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालकता। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है, तो दोस्तों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एल्कोहल में निहित है, तो दोस्तों एल्कोहल में निहित है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित है एल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, लाल रुधिर कणिका में बनती हैं, तो दोस्तों लाल रुधिर कणिका में बनती हैं अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, मानव कोशिका में नीत हैं, दोस्तों मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र नीत हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो दोस्तों चेचक होता है, विषाणु के कारण रोग होता है वो होता है दोस्तों चेचक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफोर्ट माप क्रम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों हवा की गति। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, शीशा तत्व रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है, तो दोस्तों PB। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा है, नीचे दिए गए चार माध्यमों में उस माध्यम को पहचानी जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है, दोस्तों लकड़ी, ईंट, जल, वायु। दोस्तों आंसर होगा ईंट, जो उस माध्यम से ध्वनि तीव्रतम से गति से यात्रा करती वो है दोस्तों ईंट। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।